सुशील मोदी कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। चीजों के बारे में निर्णय लेता है, इसमें राज्य इकाई की कोई मान्यता नहीं है। वो लगातार मीडिया के अंदर जिस तरह की बातें आ रही है, सारी चीजों पर हमारी निगाह बनी हुई है और उचित समय पर पार्टी की राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता, आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। तो अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दरवाजा खुल जाएगा, अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दरवाजा बंद रहेगा। इसलिए तो समय आने पर सारी जानकारी मिलेगी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं अभी सीधे दिल्ली से आ रहा हूँ, तो पटना के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसकी जानकारी मुझे केवल टीवी के माध्यम से है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, क्या परिस्थिति बनती है, बीजेपी क्या निर्णय लेती है उस बदली हुई परिस्थिति में, उस समय आने पर उसकी आपको जानकारी दे दी जाएगी। मोदी जी तो क्या अब दरवाजा खुलने का समय आ चुका है? मुझे पता नहीं समय आ चुका कि नहीं आ चुका, लेकिन मैंने इतना ही कहा कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता है, आवश्यकतानुसार दरवाजा खुलता रहता है और बंद होता रहता है। तो क्या स्थिति बनती है, क्या स्थिति बनेगी, वो समय बताएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए सारी चीज़ों का। सर बिहार में भी क्या सर विधायकों को छोड़ने की कोशिश होगी सर? नहीं, मेरे तो कुछ भी बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं विधायक थोड़ी हूँ, मैं तो राज्यसभा के अंदर हूँ। लेकिन ये सब तो आगे की बात है, मीडिया स्पेकुलेट करता रहता है। तो मैंने कहा कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्या परिस्थिति बनती है उसको देख कर केंद्रीय नेतृत्व जो है और योग्य निर्णय लेगा। और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा, हम लोग उस निर्णय का समर्थन करेंगे, उसमें सहयोग करेंगे। अपनी ओर से बातें भी तो रखी होंगी। लालू जी कह रहे हैं कुछ, अरे जाने दीजिए, लालू जी कह रहे हैं कुछ हमारे साथ है सुशील कुमार मोदी। एक सिंगल सवाल है, दरवाजा खुला बंद की बात आपने कही थी, उसमें क्या कुछ है? मैंने कहा कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता है, दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। तो क्या परिस्थिति बनती है, कौन आना चाहते हैं, कौन नहीं आना चाहते हैं, उस पर निर्भर करेगा। ये हमारा दरवाजा परमानेंट बंद नहीं है। सर लालू जी, तो कितने लोग शामिल होंगे मंत्रिमंडल में, इसकी भी कोई तस्वीर स्वरूप है आई है? देखिए सुशील कुमार मोदी हैं जो स्पष्ट बता रहे हैं दरवाजा जो है वो राजनीति में कभी भी बंद नहीं होता है, और लिहाजा अब ये कह रहे हैं कि परिस्थितियों के अनुसार दरवाजा जो है वो खुल जाएंगे। और यहाँ पे सुशील कुमार मोदी पहुँचे हैं पटना, और पटना पहुँचकर उन्होंने स्पष्ट किया और ये संकेत जो है वो साफ है कि अब कुछ भी जो है वो न तो अप्रत्याशित है, न कुछ हिडन है, यानी दरवाजा खुलने का समय आ गया है। अब मुहूर्त की बात है, और जैसे ही मुहूर्त जो है वो तय हो जाएगा, लिहाजा दरवाजा खुल जाएगा और चीज़ें जो है निकलकर सामने आ जाएंगी। और 27-28 तारीख जो है, इस लिहाज से मुहूर्त के हिसाब से वो बेहद महत्वपूर्ण है जी। और रविंद्र और रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, सुशील मोदी ने राजनीति को संभावनाओं का खेल बताया और उन्होंने ये भी कहा कि जो दरवाजे बंद हैं वो खुल भी सकते हैं, कोई दरवाजा राजनीति में परमानेंट बंद नहीं होता। और जिस तरह की संभावनाएं बनती नजर आ रही थी, जो अब से कुछ देर पहले खबरें आ रही थी कि सुशील मोदी नए उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, इस बात की संभावना है, तो यानी कि जो संभावनाएं बन रही हैं वो उनके लिए तो सुगम ही लग रही है, लेकिन अभी उन्होंने अपने बयान में इस बात को बिल्कुल खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। देखिए, जाहिर सी बात है, सुशील मोदी परिपक्व नेता हैं और मीडिया के सामने सार्वजनिक तौर पर तो अपनी दावेदारी पेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब 2022 में नीतीश कुमार की सरकार जा रही थी, मतलब बीजेपी से अलग हट रहे थे, तो उन्हीं का बयान था कि सुशील मोदी होते तो ये नौबत नहीं आती। यानी नीतीश कुमार और सुशील मोदी का सालों का एक इक्वेशन कॉम्बिनेशन रहा है। अब नई सरकार बनती है, सुशील मोदी उसमें जाते हैं या नहीं जाते हैं ये तो बाद की बात है। अगर जाते हैं तो एक ही डिप्टी सीएम होगा, क्योंकि उनके कद का फिर दूसरा डिप्टी सीएम बनाना पार्टी नहीं चाहेगी कि कोई और भी उनके सामने डिप्टी सीएम बने। जहां तक बीजेपी की बात है, देखिए ये सारी बातें जो हो रही है पटना में जेडीयू के नेताओं की तरफ से है, और बीजेपी के एक बड़े नेता जो पूरे मामले को देख रहे हैं उनका कहना है कि जेडीयू हड़बड़ी में है, हम वेट एंड वॉच में, हम चाहते हैं कि वहां पर सरकार बने,
लेकिन उसमें हमारा क्या फायदा होगा? और हमारी राजनीति केवल विधानसभा लोकसभा के लिए नहीं होगी, क्योंकि लोकसभा तो हम पीएम मोदी के चेहरे पर जितनी सीटें चाहिए उतनी सीटें हम ले सकते हैं जी। और 2025 के विधानसभा चुनाव में हम बहुत मजबूत हो जाएंगे, लेकिन हम अगले 20-25 साल तक, क्योंकि जेडीयू या नीतीश कुमार का वजूद अगले 2-4 साल तक ही रहने वाला, उसके बाद बीजेपी ही वहाँ मुख्य पार्टी होगी, तो बहुत कैलकुलेटेड हम वहाँ पर फैसला लेंगे। सरकार अगर बनती है तो कैसे बनेगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो स्टेट के हैं वो नहीं चाहते कि नीतीश कुमार सीएम रहे वहाँ। बिल्कुल, और रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, इसका एक एस्पेक्ट और हम समझ लेते हैं कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, उनके इस फैसले का असर ना सिर्फ बिहार में महागठबंधन सरकार पर पड़ेगा, बल्कि जो इंडिया अलायंस है उसको भी बहुत तगड़ा झटका लगेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जब इंडिया अलायंस बना था उसमें सबसे पहले नीतीश कुमार ने ही पहल की थी। यहाँ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से बैठक करने के बाद उन्होंने तमाम नेताओं को एक किया था, पटना में बैठक बुलाई गई, सारी कवायद की गई, लेकिन उनको किनारा लगा दिया गया एक तरह से, कहा ना तो उनको कन्वीनर का पोस्ट दिया गया, ना उनकी बात मानी जा रही थी, वो नाराज भी थे। पिछली बार याद कीजिए कि इंडिया गठबंधन जो नाम दिया गया था उससे भी नाराज थे, हिंदी नाम चाहते थे, बावजूद उनकी चल नहीं रही थी, तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि इससे बाहर निकलना ही बेहतर रहेगा। और नीतीश कुमार एक बड़े क्या कहते हैं स्मार्ट बार्गेनर माने जानते हैं, अगर राजनीति के हिसाब से देखिए, और राजनीति में जैसा कह रहे हैं सुशील मोदी कि कोई परमानेंट दरवाजा बंद नहीं होता, तो एक सेइंग है कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड देयर इज नो परमानेंट एनमी इन पॉलिटिक्स, तो कोई राजनीति में परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, समय के हिसाब से सब कुछ होता है। नीतीश कुमार इस बात को जानते थे, वो जब तक इंडिया गठबंधन के साथ उनको लाभ मिल रहा था तब तक उनके साथ थे, जब लगा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ जाकर उनको फायदा होगा, आज की डेट में अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ जाते हैं, 17 जिस सीटों पर चुनाव लड़े थे 16 सीटें जीती थी पिछली बार उन्होंने, तब उनका स्ट्राइक रेट ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अब विधानसभा जब आएगा तो उसकी बात आगे देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल उनका स्ट्राइक रेट अच्छा रहेगा, उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी अच्छी है, उसी लिहाज से करेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देखिए कहा जा रहा है कि राम आ गए हैं, और राम आ गए हैं तो राम के साथ साथ जो कुशवाहा समाज है, कुशवाहा और कुर्मी समाज, वो अपने आप को कुश का वंशज मानते हैं। लॉ और कुश, जो राम के दो पुत्र थे जो कुश हैं, तो कुश कहाँ जाएगा, अब राम आ गए हैं तो कुशवाहा समाज के लोग भी आएंगे, ऐसा भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, आप तीनों मेरे साथ बने रहिए। एक बार फिर से ये जो आज बिहार की राजनीति से जुड़ी एक और तस्वीर सामने आ रही है, इसको समझना, इसको दर्शकों को दिखाना बहुत जरूरी है, जो लगातार हम दिखा रहे हैं हाईटी कार्यक्रम से।